और एसोसिएट्स की टीम फिर इसने इस बार टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। यंग एंड एनर्जेटिक दानियाल ने पहली गेंद एक रन के साथ आगाज किया मारखोर फाइटर्स ने। वेलकम दानियाल। और बहुत ही उम्दा कैच यहां पे तहा का उसामा, इनफैक्ट बहुत ही जबरदस्त कैच किया है उसामा ने। अदील भी हैं हमारे स्कोरर अमीन अब्दुल्ला के मुताबिक, उसामा की इन्होंने जर्सी पहनी है लेकिन हैं ये अदील मियो। तो बहुत ही उम्दा कैच किया और बड़े हिट लगाने की कोशिश थी यहाँ पर उसामा की जानिब से और अदील मियो का बड़ा ही ज़बरदस्त कैच है। जो इस वक्त टीम किंग्स इलेवन का हिस्सा है, बॉल किया और आखिरकार माज ने शॉट यहां पर लॉन्च किया है ज़बरदस्त, बहुत देर की मेहरबान आते आते और कुफर टूटा खुदा खुदा करके। और ये होती है आई, टैलेंट को परखने वाली आई कि मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर पहली गेंद को इन्होंने इस तरह से अगर इन्होंने सिंगल लिया तो डेफिनेटली ये रन स्कोर करते नज़र आएंगे। और आपने देखा कि इस नौजवान ने मेरी इन दूरस्त निगाहों की लाज रखी और क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेले, देखे कितना फलक बोझ छक्का, परफेक्ट टाइमिंग, मिडिल ऑफ द बैट। यहाँ पर बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और पूरे मैचेस इन्होंने इंजॉय किए हैं। इस बार फिर कोशिश की थी लेकिन कॉटन बॉल किया उमर ने कि जिनके हाथों में कैच आया। माज जो कि अपनी टीम को भंवर से निकालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अपनी विकेट यहाँ पर खो दी है और इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ा मारखोर फाइटर्स को। अगर आपने देखा दानिश यहाँ पर माज सीधी बैट से खेलते हैं बिल्कुल, और बैट बिल्कुल सीधा आया और यहाँ पर पावर थोड़ी कम थी शॉट में, कैच कर लिया है उमर ने इस बार अपनी ही बॉल पर। ऊंचा शॉट इस बार कनेक्ट करने में कामयाब रहे लेकिन ये बॉल फील्डर से देख सकते हैं रोक नहीं सकते। छह रन के लिए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री को क्लियर किया है और काफी देर के बाद छक्का आया है मारखोर फाइटर्स के लिए। दस रन अब तक इस ओवर में आए हैं। अपने आप को जो बॉडी का वेट है वो हल्का सा शिफ्ट किया, अच्छी गेंद थी जहां बैट्समैन खड़े थे उसी लाइन में इस गेंद को किया, लिहाजा थोड़ा सा पेस जो था वो ज़्यादा हुआ और खेलने में मुश्किल पेश आई है यहाँ पर। वो ज़ाहिर वापस खेले हैं बॉलर की जाने इम्तियाज जो कि बॉलिंग करने के लिए आए हैं। एक बार पर ऑफ साइड ऑफिस में गेंद थी, इसको भी बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे इस गेंद पे लेकिन एक बार फिर कामयाब नहीं हुई। तो दोनों अच्छी गेंदें हैं, दोनों जो बॉल हैं वो डॉट करती हैं इस बार इम्तियाज ने। एक बार फिर शॉट गेंद पर इस तरह बॉडी को मूव किया था लेकिन क्या करें, किस्मत में जो यहाँ पर रनआउट होने का खतरा हो सकता था नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर क्योंकि उजैर जो थे वो छकासा आगे आ गए थे और फील्डर ने अच्छी कोशिश की थी कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर थ्रो की लेकिन स्टंप्स को छूकर नहीं गई। लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि ओवर थ्रो की वजह से एक रन मिला, कुल मिलाकर दो रन यहाँ पर मिले हैं और सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए हैं लेकिन शॉट्स नहीं लग पा रहे हैं इस वक्त। इम्तियाज लगारी 5.3 ओवर हो चले हैं इस बार, ऑन द ग्राउंड शॉट यहां पर एक रन बनेगा। एक बार फिर ओवर थ्रो और ओवर थ्रो की वजह से हम देख रहे हैं मुसलसल यहां पे जो रन हैं वो बन रहे हैं, शायद इस बात का ज़्यादा दुख ना हो उमर एसोसिएट्स ग्लैडिएटर्स को क्योंकि जो रन हैं उतने ज़्यादा हैं नहीं, ऑलरेडी काफ़ी कम स्कोर है तो ओवर थ्रो के रन खेलेंगे नहीं यहाँ पर रमेश अजीज को। हैं वो हासिल नहीं हो पा रहे हैं और अंपायर का इशारा कि अब जो बॉल होगी वो सुपर बॉल होगी। तो सुपर बॉल पे देखना ये है कि किस तरह से फायदा उठाएंगे। आउटसाइड ऑफ स्टंप डॉट बॉल, एक रन लेना चाह रहे थे, लिया, रन आउट करना चाह रहे हैं और कर दिया, तो इस तरह सुपर बॉल भी यहाँ पे वेस्ट हुई है।
38 रन्स टोटल बनाए यहाँ पर। ज़ाकिर आफरीदी बॉलिंग का आगाज़ करेंगे मारखोर फाइटर्स के लिए, कोशिश करेंगे कि जो एक लो स्कोरिंग मैच है इसको यहां पर बचा पाएं। पहली गेंद थे तहा जिन्होंने ऊंचा शॉट खेला है, आ रहे हैं इसको कैच करने के लिए फील्डर, लेकिन जज नहीं कर पाए हैं, बिल्कुल भी जज नहीं कर पाए हैं। दो रन यहां पर हासिल कर लिए इस दौरान। अब्दुल मुकीद गए थे इसको कैच करने के लिए, लेकिन जो बॉल की लाइन थी नीचे आते हुए उसको बिल्कुल ही मिस कर दिया और इस कैच को बिल्कुल भी समझने से कासिर रहे। विकेटों के पीछे मौजूद ज़रूर थे, काफ़ी दूर तक भागे थे, लेकिन फिर इस कैच को ना ले सके। और ये बहुत ही ज़्यादा एक लो फुल टॉस बिल्कुल बेसबॉल के स्टाइल में बॉल करवाई थी और इसका फ़ायदा उठाया तहा ने। गेंद चली गई चार रन्स के लिए बाउंड्री के बाहर, आउटसाइड तो ऑफ की गेंद की थी, तहा इसका फ़ायदा उठाने में कामयाब रहे और बिलाखिर चार रन्स जो हैं उन्होंने यहां पर हासिल कर लिए हैं। बिल्कुल अंपायर ने चार रन का यहाँ पर इशारा दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अंपायर जो है इसको कन्फर्म करेंगे एक बार फिर कि उन्होंने जो चार रन का इशारा दिया है उसको फैसले को वो वापस लेंगे या नहीं। आई थिंक ये टीवी अंपायर से रेफर कर रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि कंफर्म किया जाए कि जो चार रन उन्होंने दिए हैं आया वो दुरुस्त हैं या फिर ये छः रन हैं। बिल्कुल इसको कंफर्म करते हुए छह रन बिल्कुल यहां तो ऐसा लगता है कि वो हासिल किए हैं, तो अंपायर जिन्होंने इशारा दिया था यहां पे एक बार फिर तहा जिन्होंने ऊंचा शॉट खेला है, गेंद एक बार फिर जा रही है बाउंड्री के बाहर। छह रन इस बार अंपायर ने क्लियर फर्स्ट अटेम्प्ट में इशारा दिया कि छक्का है। एक बार फिर चार रन यहां पर तहा जिनका बैट मुसलसल रन स्कोर कर रहा है और स्ट्राइक भी इनके पास ही स्कोर में अब तक रही है, लिहाजा पांच गेंदों पे इन्होंने 18 रन जो हैं बना लिए हैं। एक और बड़ा कंट्रोल शॉट था मिड विकेट पर, चार रन यहां पर मिले हैं तहा को, तो पांच गेंदों पे 18 बनाए हैं तहा ने। अभी तक जुनेद मलिक के पास स्ट्राइक नहीं आई है। मारखोर फाइटर्स आज बड़ी परेशान होगी और इनके टीम ओनर भी और जिन्होंने टीम बनाई उन्होंने भी ये क्या हो गया, तो जिस तरह से इनकी टीम की परफॉर्मेंस है ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। आउटसाइड द ऑफ स्टंप हाथों को स्ट्रेच किया, ऊंचा शॉट खेला, गेंद चली गई है सुपर कवर पर, छः रन्स के लिए इस बाउंड्री को क्लियर किया है और स्कोर पहुँचा है 25 पर। लगता है ऐसा है कि तहा इस मैच को अकेले फिनिश कर देंगे यहाँ पर। एक बार फिर तहा जिन्होंने सिंगल जो है हासिल कर लिया है, पहली बार स्ट्राइक जो है वो जुनेद मलिक के हिस्से में आई है, इससे पहले तहा के पास ही स्ट्राइक मुसलसल मौजूद थी। शॉट यहाँ पर इस बार लगाया है जुनेद मलिक ने और गेंद को बिल्कुल आउट ऑफ द पार्क फेंका है। दानिश आज आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, इसकी कोई ख़ास वजह? मैं रोज़ ही मुस्कुराता हूँ, आज शायद आप गमजदे हैं तो आपको मैं ज़्यादा खिलखिलाया हुआ नज़र आ रहा हूँ। उल्टॉस गेंद है, एच हुआ है इस बार, ऑन साइड पे खेलना चाह रहे थे, गेंद हवा में अब तक और कैच किया है इस बार उज़ैर छोटू ने, यहाँ पर कल भी बड़ा अच्छा कैच किया था इस छोटू ने।
ये पहली खुशी है जो मानकोर फाइटर्स को मिली है। और इस चौके के साथ खबर देता चलूं, आज का सबसे बड़ा मुकाबला इस इवेंट का कोरंगी किंग्स मुकाबला कोटली 11। सोचा शॉट खेल दिया है ताहा ने, इसको कैच करने के लिए दो दो फील्डर्स आ रहे हैं और ये कैच ड्रॉप कर दिया, इस कैच को ड्रॉप किया लेकिन ताहा ने सिर्फ एक रन लिया। मुझे लग रहा था दो लेंगे और इस मैच में कामयाबी जो है हासिल कर लेंगे। बिल्कुल जी, और ऐसे ही हुआ है, तो इस मैच को जीतने में कामयाब रहे, विनिंग शॉट भी खेलने में कामयाब रहे। अफसोस होगा कि छः रन हासिल करना चाह रहे थे लेकिन बिल आखिर इनकी जो नॉक्स थी वो आउट ऑफ स्टैंडिंग थी और कामयाबी यहां पर मिली है अब उमर एसोसिएट्स ग्लैडिएटर्स को, जो आज शाम अपना एक और मैच अपने नाम करने में कामयाब रही।